अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो शख्सियत आपको नज़र आ रही है, ये लिटिल करीम साहब है, जो कि एक जानी पहचानी माउंटेनियर है और बहुत ही मशहूर को पैमा है। इन पर यूरोप में काफ़ी किताबें लिखी गई और इन पर फिल्में भी बनाई गई। स्पेन के लोगों ने फिल्में भी बनाई और इन पर पूरी किताब लिखी हुई है। जबकि 1985 में लॉरेंट चिवालियर नेमी फ्रेंच डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर ने भी इन पे जो है 3 फिल्में बनाई गई, और ये कोई तारीफ के मोहताज नहीं। और स्पेन में भी अक्सर जाते रहते हैं। रोनाल्डो रोनाल्डो वगैरह ने इनको अपनी शर्ट तक गिफ्ट कर दी। इस वक्त CMH रावलपिंडी में जेरे इलाज है। और आप सबसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि लिटिल करीम साहब के लिए दुआ करें ताकि जल्द अज़ जल्द सेहतियाब हो सकें। और इनके इनकी जो फैमिली है उनकी परेशानियाँ जो है कम हो सकें। और आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे जो है ना लिटिल चाचा लिटिल करीम साहब के लिए खुसूसी दुआ करें। आप ये क्यों कहते हो कि आप पढ़ा लिखा, आप PhD किया हुआ है, आपने माउंटेनिंग के ऊपर PhD किया हुआ है, आप तो पूरा एक इंस्टीट्यूट है, आप तो पूरा एक यूनिवर्सिटी। अल्लाह करे खरे से उधर पूछे स्कर्दू में और इस्लामाबाद में भी हम आपके लेक्चर रखेंगे। जो इस फील्ड में आना चाहते हैं आप अपनी बताएं, आपकी अचीवमेंट्स क्या है, क्लाइंबिंग किस तरह की जाती है, क्या मुश्किल होते हैं और मौत को कितनी दफा आपने अपनी आंखों के सामने से देखा। इसी तरह क्लोज करके ये ऐसा चीज है पहाड़ों के साथ। अभी बिना वो पहाड़ों के लिए इजी हो गए सर, पहले की तरह है नहीं है, अभी सारे पहाड़ नहीं हो गए। And you can, make a couple of students to bring you the friend, a new friend, eh? Anika, it would be better if you can give a few to students. So the student, maybe they are not able to speak. 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 तो अभी अल्लाह की बात से पिछले साल से आके इस साल फिर से ये लोग हंसना शुरू किया। दो साल पहले रोने का आंसू आ रहा था, तो ये शुक्र है हमारे जवानी में ज़िंदगी में कुछ न कुछ काम करके हमारे इलाका जो है ना, हमारे पहाड़ों पे जो है ना, इनको नाम आगे ले जाओ। आगे ले जाने से इनके हिसाब सहूलियत रखने से, उनको अच्छाई करने से लोग बहुत वहाँ आते हैं। अच्छा ही नहीं किया वो, आप हमारे लिए एक फ़ख्र है और हमारे लिए जो है ना एक रोल मॉडल है। और आप जैसे जो है सदियों में एक पैदा होते हैं, तो आप जो है इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे, तो इंशाल्लाह सब कुछ जो है ना आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगे। हमारी आप दुआ यही है कि इंशाल्लाह आप जो है जल्दी जो है ठीक हो जाएं। मेहरबानी, मैं आप लोगों को बहुत मेहरबानी करता हूँ। इसी काम में किसी ने होली फैली, कोई किसी ने इनके लिए तो इंदा किया, तो खुदा अल्लाह ताला इनको भी दौलत भी देगा, इंसान को सेहत भी देगा, इंसान को आदमी अगर हुए तो इस्लामाबाद में, नहीं तो उसका दूर में एक आपके लिए एक हम जो है इंशाल्लाह ज़बरदस्त एक प्रोग्राम रखेंगे वहाँ पे, ठीक है ना। तो क्योंकि आपकी इस इंडस्ट्री में टूरिज़्म के अंदर, माउंटेनिंग के अंदर आपकी बड़ी खिदमत है, जिसको तारीख जो है ना वो कभी भी होने नहीं देगी। और जो आपका, क्योंकि उस ज़माने में जब आप लोग माउंटेनिंग करते थे तो ये मीडिया इतना आम नहीं था, ठीक है। जिस हम बोलते ही नहीं थे, बोलते ही नहीं थे ना, खाना। तो नाज़रीन आप लोग भी दुआ करें लिटिल करीम साहब के लिए और जो है हेल्थ रिकवरी हो सकें और फिर से जो है ना आप लोग में जो है ना आ सकें। और इंशाल्लाह कमिंग जो समर है
उनमें अयाज साहब कह रहे कि लोगों को ट्रेनिंग जो है भी कराएंगे थ्रू मिस्टर लिटिल करीम, तो जो जो इंटरेस्टेड है वो लोग जो है ना तैयार रहें और दुआ भी करें। आप कुछ बोलना चाहेंगे? बस जी करीम साहब के बारे में हम क्या कहें, जितना बोले उतना कम है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा नाम है, सदियों में ऐसे लोग पैदा होते हैं। हमारी दुआएं अल्लाह ताला इनको जल्द से हेल्प करे और अपने इलाके में, और इनकी अचीवमेंट ऐसी है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है और वो कोई उसको ब्रेक नहीं कर सकता है। तो मेरी सब लोगों से और स्पेशली पाकिस्तानी अवाम से कि आप इनको अपनी ज़िंदगी में इनको ऑन करें और इनको ज़िंदगी में इनको हीरो माने। फिर जब ये दुनिया में नहीं होते, जिस तरह अली साहब पारा है, सब ने कहा अली हमारा है, सब ने हर पूरे पाकिस्तान पूरी दुनिया में उसका गम मनाया गया। तो मैं इधर स्पेशली अपनी जीबी का भी, गवर्नमेंट का भी, और स्पेशल जो है वो पाकिस्तान आर्मी का शुक्रिया करता हूँ, बासर ब्रिगेड का, जिन्होंने हमें यहाँ पे जो है हमारी पाक आर्मी जो है हमेशा हमारे जब भी कोई प्रॉब्लम्स हुई स्पेशली माउंटेनियर्स के हवाले से वो सबसे आगे पेश रहे। अली जब गए सबसे पहले आर्मी आगे आई, हसन के साथ रेस्क्यू के लिए आए, तो मैं पाकिस्तान आर्मी को सलाम पेश करता हूँ और उनकी हमेशा हमारे उस इलाके में और स्पेशली हमारे ये जितने भी माउंटेनियर्स हैं और इनका और पाकिस्तान आर्मी का बड़ा कंट्रीब्यूशन भी है और एक खून का रिश्ता भी है। जो भी रूट्स बनते हैं यही क्लाइंबर्स उनको रूट्स बना कर दे फॉलो करते हैं और उनके लिए हेल्प करते हैं। तो मैं करीम साहब के लिए भी अल्लाह ताला इनको जल्द करे, और ये ख़ुद एक इंस्टीट्यूट है जो ये खुद कह रहे थे कि कॉलेज यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, तो ये जो हमारे बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी है या दूसरे के यूनिवर्सिटी है, ये ऐसे लोगों को लेके जाए, इनके लेक्चर्स वहाँ रखे जाए और उनके लोगों को बताया जाए कि ये हमारे पास जो लोग हैं। और आखिर में मैं आपका भी, आपके चैनल्स का भी और पाकिस्तान आर्मी को मैं सलाम पेश करता हूँ कि आप हमारे हीरोज़ की जो है वो इस तरह कदर करते हैं, और पाकिस्तान आर्मी हमेशा हमारे साथ ताउन में रही है सर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। बाकी इन द लास्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और करीम साहब के लिए स्पेशल दुआ करें। थैंक यू सर जी, इजाजत। वो कह रहे सीधा टू